देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। आज से 14 मई तक 18वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह भाग लेंगे। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज बिजनौर जाएंगी, जहां वह नगीना कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित की गई प्रजातियों का निरीक्षण करने के साथ साथ प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करेगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भोपाल में जल शक्ति से जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए पानी ऐप का आज वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के अलवर में आज पार्टी कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, जिसमें भाजपा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी द्वारा चंपावत विधानसभा उपचुनाव सीट पर निर्मला गहतौरी को मैदान में उतारा गया है, जो इस चुनाव के लिए आज नामांकन करेगी। नई दिल्ली में आज मेहरचंद मार्केट लोधी रोड में साईं बाबा मंदिर के पास और जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन के आसपास अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया जाएगा। झारखंड सरकार एक दो दिन में पूजा सिंघल को निलंबित कर सकती है, जहां झारखंड में आज कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में आईएएस पूजा को हटाने या निलंबित करने पर फैसला लिया जा सकता है। राजस्थान में सरकारी व प्राइवेट स्कूल में आज से गर्मी की छुट्टी शुरू कर दी गई है, लेकिन स्कूल कब खुलेंगे इसका फिलहाल तय नहीं है। हरियाणा में आगामी जून महीने में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में जिले के 11 खिलाड़ी 13 इवेंट में भाग लेंगे। वहीं आयोजित हो रहे इन खेलों के लिए 7 मई को पंचकुला से शुरू की गई मशाल आज 6 बजे फतेहाबाद पहुंचेगी। पंजाब के रोपर के जंगलात विभाग मंडल रूपनगर के अधीन काम करते जंगलात कर्मचारियों को बीते 2 महीने से वेतन नहीं मिली है, साथ ही सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को भी पेंशन नहीं मिलने के कारण आज ये सभी भगवंत मान सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में कंपार्टमेंट की ऑफलाइन परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है, इसके साथ साथ विश्वविद्यालय के अधिकतर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं भी आज से शुरू होगी। यूपी में आगरा ताजमहल के 20 कमरों को खुलवाने की मांग वाली याचिका पर 12 मई को सुनवाई होगी। बिहार में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सिवान से जदयू सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह ने विवादित बयान देते हुए कहा कि भारत हनुमान का देश है, यहाँ हनुमान चालीसा होगा, बयान लगाने वाले मिट जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अजान पाकिस्तान में होना चाहिए। दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद बग्गा को बड़ी राहत मिली, जहां 5 जुलाई तक उनके गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। पंजाब के लुधियाना दौरे पर आए मुख्यमंत्री भगवंत मान की जुबान फिसल गई, जहां उन्होंने अपना संबोधन शुरू करते ही शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर को यंगस्टर चीफ मिनिस्टर कह दिया, जहां मान का खूब मजाक बना। उत्तराखंड में लगातार हो रहे बारिश से केदारनाथ पुरी में ठंड काफी बढ़ गई है, जहां रात के वक्त तापमान 0 से -6 डिग्री पहुंचने से लोग परेशान हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के बीमार होने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खनन पट्टा मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा भेजी गई नोटिस का जवाब देने के लिए समय की मांग की है। उन्होंने अपनी मां के गंभीर बीमारी का इलाज में व्यस्त होने का हवाला देते हुए 1 महीने का वक्त मांगा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 8,45,00,000 रुपए की लागत से निर्मित जनरल टिकट काउंटर प्रवेश द्वार व पार्किंग का विधिवत उद्घाटन करने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, बिलासपुर सांसद अरुण साव, विधायक शैलेश पांडे उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश के कटनी के बरवारा से कांग्रेसी विधायक विजय राघवेंद्र सिंह गायब हो गए हैं, जिनकी शिकायत उनके पत्नी ने गुमशुदगी के तौर पर कराई है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने सिख फॉर जस्टिस के मुख्य कर्ता धर्ता गुरपतवंत पन्नू के विषय पर कहा कि प्रदेश का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा,
हिमाचल प्रदेश का माहौल सौहार्दपूर्ण है और यह सौहार्दपूर्ण ही रहेगा। जम्मू में आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर सीमावर्ती इलाकों के लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि आगामी चुनाव में इसका असर दिखेगा। बंगाल सरकार ने राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से जून में सिलीगुड़ी महकमा परिषद और गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन का चुनाव कराने का फैसला किया है। महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा पर राजद्रोह के मामले में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 18 मई को पेश होने को कहा है। गुजरात में नरेश पटेल को चुनाव प्रचार समिति का चेहरा बनाने को तैयार हुई कांग्रेस पार्टी। दिल्ली आए कांग्रेस के 3 विधायक। राजस्थान के चर्चित टेलीफोन टैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सीएम अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी से पूछताछ करेगी, जहां दिल्ली उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई 14 जुलाई को है। ONGC में ट्रेंड और टेक्नीशियन के पद पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। श्रीलंका में खराब होते आर्थिक हालात ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने चिंता बढ़ा दी है, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम को जून में श्रीलंका का दौरा करना है और श्रीलंका के वर्तमान हालत को देखते हुए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। दशकों बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस हेलन एक बार फिर से फिल्मी दुनिया में नजर आएगी, जहां अभिनय देव की वेब सीरीज से वापसी करने जा रही हेलन क्राइम थ्रिलर इस वेब सीरीज में उनके साथ अभिनेत्री करिश्मा कपूर मुख्य किरदार में दिख सकती है। तो ये थी सुबह की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।